कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमर लिंगेश्वर। कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमर लिंगेश्वर। झिमिर झिमिर नदी बहे कथा कहे रे, बिना बोले हंसे खुशे व्यथा कहे रे। खट्टे मीठे रंग चुने बुने जिंदगी, मह मह महके अमरावती की कथाएं, मह मह महके अमरावती की कथाएं। वक्त का काम है चलना और घड़ी का काम है वक्त बताना। आदमी ने अपने हाथ में घड़ी क्या बांधी, मानो वक्त को बांध ली। इस अमरावती शहर में भी आज ज्यादातर लोगों के पास घड़ी है। अब इन तमाम घड़ीदार लोगों की घड़ियां चलते चलते रुक भी जाती हैं, और जब रुक जाती हैं तो उन्हें आना पड़ता है चलपति घड़ी सास की इस दुकान पर। चलपति की एक आदत या यूं कहें कि शौक है कि वो नीलामी का सामान खरीदता है। इस दुकान की कुर्सियां, पर्दे, पंखे, अलमारी और बहुत सारी घड़ियां भी चलपति ने नीलामी में ही खरीदी है। पुलिस लाइन की नीलामी से भी एक खास चीज चलपति ने खरीदी है, मगर उसका जिक्र बाद में। फिलहाल तो चलपति गणपति साहूकार का इंतजार कर रहा है। गणपति गारो, आओ, आओ, आओ। अरे भाई, अब उधर कहाँ चले जा रहे थे? हैं, दुकान इधर है, अब उधर जा रहे थे। ये देखिए, ये लिख के रखा है, मैंने बाहर भी लिखा हुआ है। हैं, अब तो सीधा ही रास्ता पकड़ लिया था। इधर उधर देखना भी चाहिए ना। देखिए सब घड़ियां पुरानी पुरानी, ये सब, ये देखिए, ये जो घड़ी है ना, ये महारानी विक्टोरिया की घड़ी है। इसकी मीठी आवाज सुनकर ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया करती थी वो। इसी की टन सुनकर उठती थी, इसी की टन सुनकर सो जाया करती थी। इसमें तो कांटे ही नहीं है। यही तो खास बात है, कांटे नहीं है, फिर भी देखिए चल रही है, चल रही है। आप बम्बई गए कभी? नहीं तो। इस घड़ी के नाम पर वहां पे एक बहुत बड़ा स्टेशन है। स्टेशन इस घड़ी के नाम पर? जी हाँ, विक्टोरिया टर्मिनल। अच्छा। आदमी की इज्जत और घड़ी जितनी पुरानी होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। अब ये देखिए, ये इधर आई, ये नूरे नजर, नूरे बहार, नूरे चश्म, नूर जहां की है ये घड़ी, लैंप घड़ी। शाम को ये लैंप अपने आप जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था। ऊपर लैंप झकझक झकझक भग 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 जलता था, नीचे घड़ी कट 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 टक 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 चलती रहती थी। इस घड़ी की एक और बहुत मजेदार कहानी है। एक बार एक अंग्रेज अपनी जवान बीवी के साथ यहाँ आ गया मेरी दुकान के पास। अब बीवी थी जवान, सिगरेट पीती थी, भग 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 भग। उसकी नजर इस घड़ी पे पड़ गई, बोली 3,000 ले लो, घड़ी दे दो। मैंने कहा हट, हाथ नहीं लगाने दूंगा। बोली 5,000 ले लो। मैंने कहा 5,000 क्या, 5,00,000 दोगे तब भी नहीं दूंगा। तो क्या है, जिद्दी तो होते ही। ये गोरी चमड़ी वाले बैठ गए वहां, रूट के छाता लगा, वो घड़ा पड़ा हुआ ना, देख रहे हो? हाँ, वहां बैठ गए। 3 दिन तक बैठे रहे। मैंने कहा बैठे रहो, हाँ बैठे रहो, जो मर्जी करो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कुछ, बस फिर चले गए। चलपति बेच देना था, फायदे में रहते। क्या ना, क्या पैसा ही सब कुछ है आदमी के लिए, और कुछ नहीं है? अब देखिए ये खाकी, खैर छोड़िए इसको, वो देख रहे हैं वो, उधर देखिए, इधर आइए मेरे साथ। ये जो है ना, ये इसे देख के बताइए क्या है। ये तो घड़ी है, और क्या है? क्या हुआ? अरे आपके बाल उड़ गए, कुछ तो अकल की बात करो। आपने तो सवैया हलवाई की तरह बात कर दी। ये घड़ी नहीं है, मैं बताता हूँ ये क्या है। देखिए इसे, ये देखिए। अरे इसमें तो पाउडर की डिब्बा और चश्मा रखा है। हाँ, ये हैदराबाद के 3rd निजाम की 4th साली का है, पेरिस से मंगाया निजाम साहब ने, रूठ गई थी मनाने के लिए। क्यों, क्यों भाई? भाई उनका दिमाग जो था ना, उसमें बहुत गुरूर भरा हुआ था, तो उसका पानी उतारने के लिए मंगाया उन्होंने। स्विट्जरलैंड से मंगाई थी ये, और लाके महफिल के बीचों बीच रख दिया। और फिर निजाम साहब ने बिल्कुल वही सवाल किया जो मैंने आपसे किया था, कि बताओ ये क्या है। तो साली साहब ने बिल्कुल वही जवाब दिया जो आपने दिया, कि घड़ी। फिर पूरी महफिल में ठहाका उठा और उनकी बेइज्जती, शर्म से पानी पानी जाके रूट के बैठ गई किसी कमरे में। निजाम साहब ने फिर फोन घुमाया, पेरिस, हेलो पेरिस, 1, 2, 3, 4 जो भी था, हेलो हेलो, हाँ एक पाउडर का डिब्बा और एक चश्मा भेजना जरा। हाँ, फौरन जवाबी जहाज से पहुंच गया। ये चश्मा, ये देखिए, ये लगा के देखिए आप। अगर मेरे पास टिकट होता ना, तो मैं कसम से
अमेरिका जाके फौरन ये 1.5 करोड़ में बेच के आता ही है। रखो। अब हर घड़ी के साथ अपनी अपनी एक कहानी है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है इधर आइए, ये अभिनय सम्राट शिवाजी गणेशन की घड़ी है। ये देखिए, इधर आइए, ये हॉकी प्लेयर मशहूर ध्यानचंद, उनकी घड़ी है। इसी घड़ी को देख देख कर उन्हें हजारों गोल अंग्रेजों के खिलाफ दाग दिए, लेकिन आउट नहीं हुए। हाँ। अच्छा ये तो बताओ, कुल कितने घड़ी है तुम्हारी दुकान में, और कितनी चलती है कितनी बंद है? लीजिए, आपने तो ऐसे पूछ लिया, बताइए कुल कितनी मुर्गियां हैं? हैं बेटा, जरा पंखा चला, यहाँ तो मेरी इज्जत की सारी कमाई दांव पे लगी हुई है। हैं, आपको नहीं पता यहाँ क्या गुजर रही है? बैठिए जरा, कुछ ठंडा शरबत पीजिए, उसके बाद बात करते हैं। आप बैठिए इधर। बेटा जा, जरा एक गोटी वाला सोडा लेमन लेके आ, दौड़ के जा, दौड़ के आना, सो मत जाना उधर। हाँ लिखिए। हाँ बताओ। लिखिए लिखिए, 45 दीवार घड़ी। एक मिनट 22 चालू 23 बंद। हाँ एक मिनट 22 चालू 23 बंद। 50 हाथ घड़ी। 10 चालू 10 बंद। बाकी 30। अरे शाही घड़ियां हैं भाई, नाजुक हैं, मैंने छूट दे दी कि काम कम आराम ज्यादा। अच्छा आगे। अलार्म घड़ी 25। आधी की सुइयां चलती हैं, आधी की घंटी बजती है। अच्छा। 2 कुर्सी, 1 जिसपे आप बैठे हैं, 1 मैं, और ये लंगड़ा टेबल, और ये स्टूल, ये वाला, ये मिलिट्री का स्टूल, और ये लीजिए घड़ी ठीक करने का। हाँ ला, खोल ला, डाल बेटा लीजिए। अरे देखो, इसलिए नहीं पीता मैं। एक नंबर वो पकड़िए जरा। हाँ अरे पकड़ी। हाँ डालिए, डालते रहिए जरा, डालिए। वहाँ बस हो गया, अब पीजिए। बेटा पंखा चला जरा, बहुत गर्म है। चलो शाबाश, चला। हाँ देखिए, हाँ चला, जरा जोर से चला इधर तक, इनका सर गर्म हो रहा है। चल, अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप, लगेगा आपको कि आप कश्मीर में बैठे हुए हैं। बिल्कुल अंग्रेजों का जमाना का पंखा है ये, रॉबर्ट क्लाइव के दफ्तर में टंगा था। मुल्क और निजाम के बीच कई अहम फैसले हो गए इस पंखे की हवा खा खा कर। बोली पे बोली लगाकर मैंने ये खरीद लिया था। मैंने सोच लिया था कि बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन पंखा नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, किस्मत की बात है कि आज इसी पंखे के नीचे एक और अहम फैसला होने वाला है। ये तो फटा है। फटा है? आपने फिर वो शिवैया हलवाई की तरह बात कर दी, फटा है, हैं? अरे शाही चीजों में फटा पुराना नहीं देखा जाता। हाँ, और ये मत सोचिए कभी आप इसके मालिक हो गए हैं। जिस दिन आप इसके मालिक हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके इधर एक छोटा सा नन्ना सा बादशाह पैदा हो गया है। चलिए, अब ये सब अनमोल खजाने की बताइए कीमत क्या लगाएंगे आप? ये सारा सामान का चटाई मिलाकर? हाँ जी, चटाई छोड़ देंगे क्या? 1000 दूंगा। क्या हुआ अन्ना? हाँ दिल की बीमारी है, मजाक मत करिए। मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ देखो भाई, मेरे लिए तो घड़ी घड़ी है। हाँ? वो जो तुम चश्मा बता रहे थे, उससे बढ़िया तो मेरे लड़की के पास भी है। और वो ये क्या है, वो श्रृंगारदान, वो मेरी साली को दूंगा ना, तो सर पे पटकेगी। देखो चलपति, 1000 रुपया, मैंने एकदम सच बताया। एक हजार रुपया यार ना, आपने तो सीधे सीधे 3 सिफर कम कर दिए। अरे 1-2 कम किए होते तो मैं जरा सोचता भी, आपने सोचने का मौका ही नहीं दिया मुझे। क्या तुम 10 लाख की बात करते हो? कम है क्या? नहीं भैया, मुझे जाने दो, कोई और साहूकार को देख लेना तुम। ये क्या, आप तो फट से उठ के चल दिए। अरे बैठिए, मैंने 10 लाख मांगे, आपने दे दिए क्या? हैं, जरा सोच के बोलिए। हाँ वो शिवैया हलवाई की तरह मत बोलिए, फट से। देखो मैं 200 और दे सकूंगा। हाँ तो बोलो, ना तो मैं चलता हूँ। देखिए आप 4 जूते मार लीजिए, लेकिन बार बार उठ के जाने की बात मत करिए, सोच के बोलिए। चलिए मैं ही बोल देता हूँ। ठीक है, 1.5 हजार। डेढ़? अच्छा मैं बोलता हूँ कि 20 हजार। बेटा जरा टिकट लेके आ जल्दी, खत्म करें बात। जय हिंद। सुनिए, आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। अब देखिए, बैठिए यहाँ, जय हिंद करके चल दीजिए आप। चलिए आखिरी बात बोल दीजिए, आप सोच समझ के। 2001 2002। सुनिए, ये खुला अलमारी और ये टेबल, इसका कम से कम 500 और लगाइए आप। चलो तो ठीक है, 2500 में सौदा पक्का करते हैं। 2500 बस। चलिए लाइए, चलिए खत्म करिए। ठीक है और क्या? ठीक है, 2500 के लिए क्या लिखा पड़ेगा?
लाइए। हाँ तो ये 1000 रुपए रखो। 1000? हाँ। बाकी? बाकी जब ये सामान उठाऊंगा तब दूंगा। चलता हूँ भाई, काफी टाइम चाट लिया तुमने मेरा। बेटे इधर आ, इधर आ। जा मिलिट्री होटल से 2 प्लेट मटन फ्राई ले गया, और अपने लिए कुछ मिठाई भी ले लेना। अच्छा। हाँ जल्दी जा। टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक सर 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 चल देंगे कल साथी ये सब कौन कहेगा बोल फिर तब। टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक। सुभैया आइयो। मैं और नहीं तो क्या, मैं इधर आ। आया। बैठ इधर। जल्दी बोलो भैया, मेरे को बहुत देरी होता है। अबे तू हमेशा जल्दी में रहता है। क्या बताऊं भैया, उधर फैक्ट्री पे मेरे को टाइम पर पहुंचना होता है ना, नहीं तो दरबान गेट पर ही रोकता है। क्या काम करता है भैया? मैं उधर मशीनों में ना तेल डालता हूँ। तेल डालता है? देख कैसी है। है तो बमबाट। बमबाट? सुन बम की आवाज आती है। बम? हाँ, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ये ले पेन। ये क्या करता है भैया? देख बिल्कुल फैक्ट्री का मैनेजर लगता है कि नहीं। अब वक्त से तू फैक्ट्री जाएगा, वक्त से मशीन में तेल डालेगा, महीने भर के अंदर फैक्ट्री का मैनेजर बन जाएगा। काम की चीज है कि नहीं? वो तो ठीक है भैया, पर घड़ी खरीदने को मेरे पास पैसा ही किधर है? खरीदने को कौन कह रहा है, किराए पे ले ले। किराए पे? कितने के भैया? 2 रुपए हफ्ते लेता हूँ सबसे, तू 1.5 रुपया दे दे ले। 1.5 रुपया तो बहुत ज्यादा है भैया, मेरे पास नहीं। अबे पान खा के थूक देता है, बीड़ी पी के फूक देता है, 1.5 रुपए ज्यादा लगते तुझे? ले चल 1 रुपया दे देना। बहुत ज्यादा है भैया। अबे 1.5 रुपए भी ज्यादा, 1 रुपए भी ज्यादा है, तो कितना देगा तू? भैया मेरे पास तो 50 पैसा है। अबे हट, 50 पैसे इधर आ, ला दे 50 पैसे। ये ले, किसी से कहना मत। जा अब घड़ी देखते देखते पहुंच जा फैक्ट्री, भाग जल्दी। मास्टर जी मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि 1 हफ्ते से ये किताब पढ़ रहा हूँ पंचतंत्र, इसमें एक शब्द ये बार बार आ रहा है, अवधि अवधि। इस अवधि का मतलब क्या है? अवधि का मतलब होता है मुन्ने समय, वक्त, काल। अच्छा अच्छा अच्छा, 8वीं कक्षा में आपने बताया था एक बार। याद आ गया। और अपने स्कूल में आपका वक्त कैसे कट रहा है? ठीक है छे। सुना है आजकल आपकी ये छड़ी बच्चों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है। अब तुम्हारे जैसे विद्यार्थी तो आजकल रहे नहीं, आजकल के लड़के तो स्कूल में सिनेमा के गाने गाते, सबक पूरा करके नहीं लाते बदमाश। कैसे करके लाएंगे, सुबह सुबह नींद ही नहीं खुलती होगी। मैं तो कहता हूँ शिक्षा विभाग को हर बच्चे को एक अलार्म घड़ी ले जाके दे देनी चाहिए। आपके पास तो होगी अलार्म घड़ी? नहीं। नहीं है? अरे तो आपने मुझे बताया नहीं, आप मुझे अपना समझते नहीं मास्टर जी। अरे ऐसा नहीं है चलपति, मैंने तो तुझे पढ़ाया मुन्ने। अरे पढ़ाने से क्या होता है, बताना तो चाहिए ना। देखिए ये देखिए, ये सुनिए देखिए कितनी मधुर आवाज। अरे बस कर, बस कर। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सुबह सुबह अम्मा कह रही हो कि शास्त्री जी उठो सुबह हो गई है, स्कूल का वक्त हो गया है। लीजिए आप रख लीजिए। मगर मेरे पास घड़ी खरीदने के लिए पैसा किधर? अरे क्या मैं जानता नहीं हूँ मास्टर जी कि आजकल मास्टर की तनख्वाह कितना है, उसके खर्चे कितने हैं, हैं? आप तो बस रख लीजिए ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खरीद सकता मुन्ने। आपको खरीदने को कौन कह रहा है, किराए पे ले लीजिए। ओए बहुए, तू आजकल घड़ी किराए पे भी देने लगा क्या? अब कैसी बातें कर रहे, किराए पे और आपको? अरे मास्टर का ऋण भी तो उधार करना है मुझे, आप बस यूं ही रख लीजिए इसे। इसको ले जाके आप स्कूल में रख दीजिए, इसको देख के बच्चे वक्त के पाबंद होंगे, बच्चे वक्त के पाबंद होंगे तो देश वक्त का पाबंद होगा, देश वक्त का पाबंद होगा तो तरक्की होगी, चारों तरफ तरक्की ही तरक्की होगी। आप ही तो कहते थे कि घोड़ा और घड़ी कभी बंद नहीं होना चाहिए, बस रख ही लीजिए आप इसे। वो तो ठीक है, मगर किराया कितना लेगा तू? किराया? देखिए अब किराए विराए की बात मत करिए मास्टर जी, आपके मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप 1 रुपया दीजिए हफ्ते का बस। नहीं नहीं नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता। हैं? तो 1.5 रुपया दे दीजिए। अरे क्यों मजाक करता, 8 दे सकता मैं? 8? ऐसा करिए 8 पे 54 रख के 12 आने दे दीजिए आप। चलिए ना, आपकी रही ना मेरी रही, खत्म करिए बात। चल ठीक है फिर। ना अच्छा चलिए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो अवधि का मतलब वक्त काल समय ही होता है ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं बहुत जरूरी काम, इधर आ। अच्छा। भाई। हाँ। मैं सुना तेरा मरा छोड़ दिया तेरे को। हाँ, शराबी खाना उन्हें।
गुड़म बापी करके मारपीट करता मेरे को, इसी वास्ते साले को लाता मार के भगा डाली मैं। अम्मा सब वक्त वक्त की बात होती है, इसलिए मैं सबसे कहता फिरता हूँ कि वक्त की नब्ज को पहचानो, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। किसकी फोटो आई है? ये फोटो बम्बई की है, मैं 2 साल पहले बम्बई गया था मैं, वहाँ की है। वहाँ का हर आदमी घड़ी की सुई पर चलता है, वहाँ की मछली वालियाँ घड़ी देख कर लोकल ट्रेन पर चढ़ती है, घड़ी देख कर लोकल ट्रेन से नीचे उतरती है। एक बार घड़ी देखी एक मछली बेची, दूसरी बार घड़ी देखी दूसरी मछली बेची, इसलिए जब घर से निकलती है तो टोकरी में मछली मछली, और जब वापस आती है तो टोकरी में पैसा पैसा। सच्ची? हाँ, अमर लिंगेश्वर की कसम, अगर अमरावती के हर मछली वाली के पास एक घड़ी आ जाए तो उनकी तो हालत सुधर जाए। मगर इधर की मछली वाली के पास घड़िया खरीदने के वास्ते पैसा किधर आया? अम्मा घड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, चाहत होनी चाहिए, चाहत। ये देख घड़ी, ये कितनी छोटी है बटन माफिक। बेवकूफ, घड़ी जितनी छोटी होती है ना उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। ले पहन के देख इसको। अरे रे क्या करते तुम, हाथा पकड़ते मेरा, शर्म नहीं आती? कोई देख लेगा तो किसी को मुंह दिखा सकूंगी मैं। अम्मा मैं तेरे बाप के बराबर, मैं तुझे बेटी की तरह मानता हूँ, तूने मेरे ऊपर शक किया। अरे रोना नको, रोना नको, अरे चुप चुप, अरे माफ कर दो मेरे को, ये लो पहना दो, पहना दो जी। अरे चुप 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 चुप, ये ले, इतनी सुंदर लगती है तेरे हाथ में, देख, सिर्फ 200 रुपए की है। कितना बोले? 200 रुपए। 200? इतना तो मैं नहीं दे सकती अय्या। मैं तेरी हालत जानता नहीं हूँ क्या बेटी, तू इतना नहीं दे सकती? कोई बात नहीं, 1 रुपया हफ्ते का दे दिया अगर। पैसा तो मैं दे ही नहीं सकती। फिर? आओ, पर हफ्ते के हफ्ते एक मछली देगी, चलेगा? मछली? कौन सी मछली देगा, चलेगा? यही, ये ले। जाती मैं। जा। अच्छा। मछली लो अम्मा, मछली। आज के दिन तो बड़ा अच्छा है। भैया रोमर घड़ी 8 आने, मास्टर जी 12 आने, फेवर लूगा, देव अम्मा 1 रुपए की मछली और 1,000 रुपए गणपति गारू से एडवांस, 1,025 रुपए हफ्ते की आमदनी। सौदा बुरा नहीं है। अरे वो चलपति, बन गया मेरी घड़ियाल, अब 2-4 दिन और बर्दाश्त करो, बनी जाएगी। तूने पहली तारीख को बुलाया, मैं 14 तारीख को आ रहा हूँ, फिर भी कहता है बस बन गई। भाई मैं क्या करूँ, पुर्जा बम्बई से मंगाया है, रास्ते में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, चिट्ठी लिखी है 2-4 दिन में पुर्जा आ जाएगा तो बना दूंगा मैं। क्या खूब बहाना बनाता है तू भी बुड्ढे, जमान का कोई कीमत नहीं था बस। तू जवान से कहता है तू मुझे, इधर गई तेरी घड़ी, ये ले ले जा अपना घड़ियाल, नहीं बनाना मुझे। लो चौबे महीने से रख लिया, अब कहते हैं नहीं बनाऊंगा। भैया ये घड़ी बना रहा हूँ, जलेबी नहीं बना रहा हूँ, जलेबी यूं यूं करके लपेट दिया इसे। इसकी चाबी किधर गई? अच्छा मैं चोरी करूंगा वो भी इस घड़ी की चाबी, चल निकल, नहीं बनाता तेरी घड़ी, जाके हलवा बना अपनी दुकान पर। बाबू मटन बिरयानी। शाबाश बेटे, ले आया। रख रख, तूने कुछ खाया? नहीं बाबू। क्यों नहीं खाया बेटा, आज तो खाना चाहिए तुझे। अरे 5 फुटे फटी, चल घड़ियाल। अरे मेरी घड़ी किधर है, बड़ा घड़ी देता कि नहीं? क्या बार है मेरी घड़ी का, है दे रहा नहीं दे रहा? अरे छोटे, 2-2 लोग आ तेरे नाम से बम्बा बम कर रहे रे, कानों में पक्के पड़ कर जा रहे तेरे। अरे अरे क्या बोलूं चांद पाशा, 3 महीने हो गए, आजकल बोल के 3 महीने कर दिया, मेरे चपला घिस गए बस। नसीब वाला है मियां तू, सिर्फ 3 महीने हुए, मेरा किस्सा सुनो, गए साल रोजे हुए नहीं तब दगड़ी दिया इसको, मेरे को बोला चांद पाशा इधर भचकू जाओ, वापस आओ घड़ी लेके जाओ। मियाँ इस साल की रमजान आ रही, अभी ईद आ रही परसों को, अभी तक घड़ी नहीं जाओ तो क्या बोलना। अरे छोटे रे, तबीयत को तबेला बना लिया मियाँ तू, हाँ देखते नहीं खाना खा रहा हूँ, भू मारे जा रहा है। अच्छा फंसा दिया रे तू मेरे को। अरे फंस तो मैं गया हूँ, जो तुम्हारी घड़ी रख ली मैंने, जाइए आप इधर से,
दो तीन महीने बाद आना, नहीं तो मैं खुद घड़ी आपके घर में पहुंचा दूंगा। जाइए, हाथ जोड़ता हूँ आपके। बड़ा जाना है, जा रहा हूँ, नहीं तो देख लेता था तेरे को मैं। हाँ देख लेना, क्या देखेगा। अरे छोटे, उन्होंने कहा कि बहुत शरीफ है रे, उन्होंने छोड़ दिया तेरे को। आज मैं मेरी घड़ी वापस लेके जाता हूँ। बोला क्या, किधर है रे मेरी घड़ी, किधर है? हैदराबाद, हैदराबाद गई है। आई को फेंक रहा रे, आई को फेंक रहा। अरे तीन महीने बाद आएगी, ले जाना। काय को फेंक रहा कर रहे, जा इधर। हाँ तीन महीने सीधा काय को नहीं बोलता रे, घड़ी भेज बाज को इधर मटन बिरयानी की दावत आवड़ा रहा। अरे आज तो छोड़ तू नहीं रे, आज तो मैं ये घड़ी लेके जा तू देख। अरे तू पैंट पहन ले, तेरे ऊपर बुरखा चढ़ा को जो कृष्णा नदी में बहा दे तुम। यहाँ जान बादशाह नाम है मेरा, बात आ गया। रुक रुक, अरे चुप, अबे बटन लगाने दे। रुक, दादा किधर है? हैं, देखता हूँ तेरे को। अबे तू क्या, अबे मोहल्ले का किसी को भी बुला ले, देख लेता हूँ मैं तेरे को। हाँ आखिर ऐसा कब तक चलता? लोगों का असंतोष बढ़ता गया। अपनी घड़ियां दूसरों के हाथों में देखकर किसी को भी गुस्सा आ सकता था। एक दिन नाराज लोगों की भीड़ पहुंची। चलपति, चलपति 1,500 ले लो और दे दो घड़ी घड़ियाल। हाँ ये क्या सारा दुकान खाली कैसे, सामान कहाँ गया? अच्छा अच्छा, सारा सामान बक्से में बंद कर रखा है क्या? नहीं अन्ना, लोग लूट कर ले गए। लूट कर ले गए क्यों? क्योंकि मैंने खाकी हाफ पैंट नहीं पहना था। अगर मैंने खाकी हाफ पैंट पहना होता अन्ना, तो मजाल है, कोई मेरी दुकान से एक सुई भी उठा के ले जाता। लेकिन अफसोस है, वो लोग मेरी खाकी हाफ पैंट भी ले गए।